नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप्ति सिंह अकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित हम आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस ला रहे हैं। साथियों, हम आशा करते हैं कि यह जो वीडियोस हम आपके लिए जो ला रहे हैं मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित, मध्य प्रदेश के उससे के अंदर साथियों आपके लिए काफ़ी जो परीक्षा की तैयारियाँ कर रहे हैं आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो। तो साथियों, हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर जो है हम बारीक से बारीक डिटेल देंगे आपको और वीडियोस जो है काफ़ी सारे हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लेलिस्ट की लिंक हमने जो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको दे दी है, तो पूरे लाइन से इसके सारे भाग आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप जाके एक के बाद एक क्रमानुसार आप बिल्कुल मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं। साथियों, आपकी परीक्षा की तैयारियां कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह सब आपके लिए उपयोगी हो और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। और साथियों, हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं समय पर नोटिफिकेशन के लिए। और साथियों, हम लाइव क्लासेस भी आपके लिए लेकर आते हैं 9 और 10 बजे, जिसके अंदर मैथ्स और जनरल नॉलेज, रीजनिंग से संबंधित, हिंदी इंग्लिश से संबंधित लाइव क्लासेस चलती है। काफ़ी अच्छी क्लासेस होती है। साथियों, आप बिल्कुल एक वहाँ पर जाइए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज का जो भाग है, हम बता दें कि यह भाग 10 है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। इसके 9 वीडियोज हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तो आज जो बात करेंगे वह चंबल संभाग से जुड़ी हुई बात करेंगे हम आपके लिए। अब चंबल संभाग के अंदर जो जिले आते हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम भिंड जिले की बात करेंगे, मुरैना की बात करेंगे और श्योपुर की बात करेंगे। और साथ ही साथ यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको जनरल नॉलेज में दे दें कि जो क्षेत्रफल है चंबल संभाग का, वह सबसे छोटा संभाग है मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भिंड जिले की। तो भिंड जिले में हम आपको बता दें कि जनसंख्या की जो यहाँ पर बताई गई है संख्या, वह है 17,03,562। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है 4,459 वर्ग किलोमीटर। यह विभंडक ऋषि की भूमि है। प्रमुख फसल यहाँ पर सरसों है। मंदिर यहाँ पर है जमधारा का, रेणुका मंदिर, ददरोवा सरकार का हनुमान मंदिर भी साथियों यहीं पर है। और आगे बताते हैं इसके अंदर भिंड जो है भिंडी ऋषि के आश्रम पर भिंड नाम पड़ा है। साथियों, यहाँ पर भिंडी ऋषि जो है थे उनके नाम पर भिंड नाम पड़ा है। अटेर किला भी भिंड में है, यहाँ पर काफ़ी फेमस है। भिंड को बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। आगे है मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला। तो साथियों, यहाँ जो सबसे कम वर्षा क्षेत्र है वह भिंड है, यहाँ पर और भिंड जिला है। 55 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पर वर्षा होती है। यह स्थान अगर कोई जनरल नॉलेज का बनता है तो यही बनेगा कि भिंड जिला या ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का जिला जहाँ से सबसे कम वर्षा होती है और कितनी होती है। सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है और 55 सेंटीमीटर होती है। अब यह कम लिंगानुपात में पहला स्थान है, मतलब कि 1,000 पे 838 यह पुरुष और महिला का लिंगानुपात यहाँ पर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर भिंड में है। और आगे है यह कैडबरी रेनबेक्सी कंपनियां स्थापित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रोन इसी जिले में है। अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है यहाँ पर। मालनपुर में रक्षा उत्पादन हेतु रसायन कॉप्स इंडिया लिमिटेड का निवेश है यहाँ पर। तो यहाँ पर भिंड जिले से संबंधित जानकारी पूरी होती है। अब बात करते हैं श्योपुर की। तो श्योपुर का यहाँ पर क्षेत्रफल है 6,606 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है यहाँ पर हमको बता दें कि 6,87,952 यहाँ पर जनसंख्या है। स्थापना यहाँ पर 1998 में मुरैना से पृथक कर दिया गया श्योपुर। अभयारण्य श्योपुर में पालपुर कुन्नो अभयारण्य में अफ्रीकी चीतों का यहाँ पर संरक्षण होता है। फसल यहाँ पर सरसों उगाई जाती है। श्योपुर कुपोषित जिला है यहाँ पर, और कुपोषित जिला अलग से यहाँ पर देखिए और किसी जिले में इस प्रकार का यहाँ पर नहीं बताया गया है। सिर्फ श्योपुर में ही बताया गया कि यह कुपोषित जिला है। सबसे ज्यादा जनजाति यहीं पर पाई जाती है। इसकी सीमा राजस्थान से लगी हुई है। साथियों, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान से लगी हुई सीमा वाला जिला जो है वह श्योपुर है मध्य प्रदेश का।
और चंबल नहर से सिंचित जिला है यहाँ पर। चलिए आगे, श्योपुर से जिले से संबंधित ही साथियों यहाँ पर आगे है कि काष्ठ नक्काशी कला केंद्र यहीं पर है, काकेटा डैम है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं मुरैना जिले की। तो मुरैना जिला यहाँ पर जनसंख्या जो है वह है 19,65,137, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 4,988 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का शहद जिला। सिहोनिया में कनक मठ मंदिर का सास बहु अभिलेख है। बटेश्वर में 6 से 7 की शताब्दी के मंदिर है। यहाँ पर बटेश्वर को पर्यटन हेतु विकसित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ भी फसल जो है सरसों, मतलब चंबल संभाग के जो 3 जिले हैं उनमें मुख्य फसल सरसों ही है साथियों यहाँ पर। और मुरैना की प्रसिद्ध गजक हम काफी सुनते हैं, खाते हैं, और जो भी गजक है, चाहे अगर कोई लोकलाइट भी बेच रहा है मध्य प्रदेश में, तो वह मुरैना की गजक नाम से ही बेचते हैं। तो मुरैना की जो गजक है वह प्रसिद्ध गजक है और काफी अच्छी गजक है साथियों। बिल्कुल नहीं खाइए तो खाइएगा जरूर, सिर्फ मुरैना की ही खाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 6 वर्ष तक, मतलब कि 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात, मतलब कि यहाँ पर 1,000 पे 839 लिंगानुपात है। चंबल नदी के किनारे है यह। यहाँ चंबल घड़ियाल परियोजना है। यहाँ डॉल्फिनों का संरक्षण किया जा रहा है। बीहड़ की समस्या इस जिले में भी है। पड़ावली व मितावली ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पर, और यहाँ मतावली स्थल महाभारत कालीन है साथियों यहाँ पर, और गुप्तकालीन मंदिर के भी यहाँ अवशेष ज्ञात हो चुके हैं। आगे औद्योगिक जो विकास केंद्र है, यहाँ पर कत्था बनाने का कारखाना है बानमोर, यहाँ पर जो जगह है। और मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आगे इसी के अंदर, वो ये कि KS सरसों तेल कंपनी है यहाँ पर। कालीन निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला है। आगे है मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग मुरैना में स्थापित किया जा रहा है। गुजर सरदार सांबला द्वारा निर्मित किला और खूबसूरत बांध है यहाँ पर सवलगढ़ में। प्रागैतिहासिक कालीन यहाँ पर 86 गुफाओं की श्रृंखला है। पहाड़गढ़ यहाँ पर जगह है, और चंबल अभयारण्य का यह मुख्यालय है यहाँ पर। नूराबाद जहांगीर कालीन नगर और क्वारी नदी पर मध्ययुगीन बांध है। गोना बेगम का मकबरा यहीं पर है। तो साथियों यहाँ पर मुरैना जिले से संबंधित जानकारियाँ पूरी होती हैं। देखिए यहाँ 3 जिले हैं और काफ़ी छोटा यह वीडियो बना है, मतलब चंबल संभाग काफ़ी छोटा संभाग है। तो यहाँ पर हम उससे संबंधित 3 जिले पूरे कवर कर चुके हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो साथियों यहाँ पर जो है संभाग से संबंधित जो वीडियोस थे वे अब यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब आगे के वीडियोस में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ संभाग से संबंधित मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग हैं वो कवर कर चुके हैं इस टॉपिक में, जो कि पार्ट 10 है। अब आगे के वीडियोस में हम नए जनरल नॉलेज, नए सामान्य ज्ञान जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे, वीडियो लेकर आएंगे साथियों। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं समय पर नोटिफिकेशंस के लिए। हमारी लाइव क्लासेस भी हैं 9 से 10 बजे तक, आप जरूर अटेंड करें। वहाँ पर मैथ्स भी लाइव चलता है, जनरल नॉलेज और हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग से संबंधित भी वहाँ पर हम आपको तैयारी करवाते हैं लाइव, और वहीं पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तुरंत उसका समाधान भी होगा। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।